सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई कैसे हो आप सभी? तो फाइनली बेला भाई ने अपना न्यू ट्रैक निकाला है एंड देखते हैं भाई। इस गाने का नाम होने वाला हार्ट ऑफ स्टील और इस गाने का मतलब आप सभी को पता है, मतलब टाइटल का मतलब आप सभी को पता है कि लोहे का दिल। भाई जो मतलब कठोर होता है, जो पत्थर दिल इंसान होता है, हम उसे कह सकते हैं बेसिकली। बाकी इसके ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आई है तो रिएक्शन करने मज़ा आएगा। एंड काफ़ी टाइम से मैंने बेला भाई के ऊपर रिएक्ट नहीं करा, मतलब दो तीन ट्रैक्स आ गए जिनके ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं करा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि थोड़े से भाई बिजी हो जाते हो एंड काफ़ी टाइम से अमी बंटाई के ऊपर भी नहीं किया था। तो कल रात को 12 बजे अमी भाई का जो न्यू एल्बम का ट्रैक है उसका रिएक्ट किया था एंड अभी हम इसका करते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट है बेला एंड म्यूजिक प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन बाय अभी केसला। लेट्स गो, देखते हैं क्या सीन है, क्या होने वाला है एंड कैसा गाना रहने वाला है, क्योंकि म्यूजिक वीडियो भाई। तो और भी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले भाई अपना रिकॉर्डर ऑन करके कर लेते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। गाइस स्टार्ट नाउ। या Apple. Hey, I'm back. Girl, I was around. Okay. They call me by different names. मुझे पता क्या है मेरा भाई क्या क्या ही म्यूजिक वीडियो बनाई है भाई। लेट्स गो, क्रेडिट्स भाई, क्रेडिट्स का है यार। देखो मेरी नजर से ना क्रेडिट्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो भाई विक्रम उदावत, भाई लेट्स गो, बहुत प्यारी म्यूजिक वीडियो बनाई है। अभी तो मैंने पूरी देखी भी नहीं है, तब जाके मैं कमेंट्स करो भाई। शुरू से सुनते हैं, बहुत अलग गाना है और गाने का फ्लेवर और जोन भी काफी ज्यादा डिफरेंट साउंड है, ठीक है। सो लेट्स गो। बहुत आराम, बोले रैप शिट नहीं होती एंटरटेन, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड क्योंकि नहीं आए तब ब्रेन धरे तेरे जख्मों पे एंटीसेप्टिक, तो बिके ये दवाई मैंने दाम रखा 100K, जो मेरे से सही मैं उसके लिए सही बहुत, जो कर दूं मार पीट तो फटे लुई विटॉन। जो करूं मार पीट तो फटे लुई विटॉन, जो मेरे से सही मैं उसके लिए सही बहुत, जो कर दूं मार पीट तो फटे लुई विटॉन। टीवी पे देखा मैंने बेला काफी एरोगेंट, और वैसे भी मेरे से भिड़ने वाला है ही कौन, जो मैं आता माइक लेके स्टेज करो सटल, आई कैन मेक अ पुसी तुझसे ज्यादा वेट, आई कैन मेक अ पुसी तुझसे ज्यादा वेट। भाई नॉटी क्यों हो जाते हो यार गाने में, बाय 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 भाई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। से भिड़ने वाला है ही कौन, जो मैं आता माइक लेके स्टेज करो सेटल, आई कैन मेक अ पुश से ज्यादा वेट, हूं मैं रिवॉल्यूशनरी, कॉल मी अ रेबल, कभी रैप करूं कभी पंक कभी हेवी मेटल। ए बेला भाई ने अपने जो उनके जॉनराज है उनके नाम बता दिए भाई। पंक रिवॉल्यूशनरी, कॉल मी अ रेबल, कभी रैप करूं कभी पंक कभी हेवी मेटल। ए डेंजरस, सब लगे अपसाइड डाउन जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, मेरी गर्ल 11 लगे मिली। ओ भाई गर्ल 11 लगे मिली भाई, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स के रेफरेंसेस, अपसाइड डाउन वर्ल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है। सब लगे अपसाइड डाउन जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, मेरी गर्ल 11 लगे मिली भाई। 11 आप सभी को पता है स्ट्रेंजर थिंग्स में कौन थी। 11 लगे मिली, I love Panamanian, she love kitties, आने वाले साल में नाम मेरा ऑन गिनेस, मैंने करा इंडस्ट्री को डोमिनेट, रोल काफी प्रोमिनेंट, बिना पूछे आना मेरे रूम में नहीं, if I don't know you तो तू आता मेरे क्रू में नहीं, होती मुझसे बीफ मगर होती बीफ ज़ूल में नहीं, और बीफ लेके हार जाना मेरे खून में नहीं, ain't no way, ain't no way, तू छुए मेरी अग्नि में, इतना पैसा कमा रहा के मून पे लूं प्रॉपर्टी। ओके प्लान, एमी से पहले ना बन जाऊं ऑस्कर का नॉमिनी, बॉम्बे मेरी जान। ओ ओ भाई पिछले किसी ट्रैक में बेला भाई ने बोला था कि ऑस्कर मतलब ग्रैमी लाऊंगा 2024 में, ग्रैमी ऐसा कुछ लाइन थी, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट, मतलब अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट से बताना भाई कौन सा ट्रैक था और क्या क्या एग्जैक्ट लाइन थी। बट अभी कह रहे कि ग्रैमी लाने से पहले कहीं मैं ऑस्कर का नॉमिनी ना बन जाऊँ। भाई डैम ब्रो, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बींग एन आर्टिस्ट, बींग एन एक्टर, यार एक्टर भी आर्टिस्ट ही होता है तो आर्टिस्ट इज द राइट वर्ड, बींग एन आर्टिस्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारी लाइफ की, अगर तुम ग्रैमी और ऑस्कर जैसी चीजों के लिए नॉमिनी हो भाई। ओके तो भाई जब कह रहे जब भाई की बायोग्राफी आई किसी ओटीटी पे, ठीक है भाई। लेट्स गो। जानू मैं केक खाई मैनन, करूं मैं एनिमी को सेंस से वेनम, स्टूडियो में बंद करूं रात दिन मैं रात, तभी मेरे गाने तेरे गानों से अलग बेटर, जो बोले रैप शिट नहीं होती एंटरटेन, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड क्योंकि नहीं आए तब ब्रेन, चलेगा नहीं तुम्हें सीन में कोई मेरा ऑल्टरनेटिव, तेरे फेवरेट है मेरे लिए ओवररेटेड, बंदियों को पसंद आला अफर्मेटिव, वॉइस के लिए मेरे गाने
में रहते हैं इनफॉर्मेटिव, मेरी जगह के टिकट टू फिनाले, ड्रंक ही नहीं होता चाहे जितनी पिला ले, देखे ना चादर बेला जब पैर को पसारे, लौंडे हेट देके गायब हो गई नजर ही नहीं आ रहे, हील कर रही है हार्मनी शक्ल मेरी इतनी। यार जब भी हम बेला के ऑलमोस्ट गाने सुनते हैं ना, जब भी हम बेला के गाने सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है रिलेट हो रहा है ये गाना, भाई रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल। लेकिन ये जो हार्ट ऑफ स्टील गाना है ना, यहाँ पे प्रॉपर हमें फील हो रहा है कि बेला सिर्फ अपनी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहा है बेला हार्ट ऑफ स्टील गाने के अंदर, ठीक है। क्योंकि भाई जब भी हम गाने सुनते हैं ऐसा लगता है यार ये तो मेरी लाइन है, ये तो मैं फील करता हूँ, ये तो मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन नहीं, इस गाने में मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे बेला भाई सिर्फ अपनी कहानी सुना रहा है और बेला की कहानी स्टोरी लाइन चल रही है पूरी, कि वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ ऐसा होने वाला, भाई ये सारी चीज़ें। डैम ब्रो क्रेजी, मतलब जोन शिफ्ट देख रहे हो, कहीं वो हमें पूरा रिलेट करता है और कहीं वो पूरा हट अवे, ये गाना सिर्फ मेरे लिए। डैम ब्रो बेला भाई, हैट्स ऑफ टू यू, लेट्स गो। पार्वती, हील करे हार्मनीज है गर्ल मेरी इतनी पूरी, वो प्योर वो पार्वती। ओके ओके ओके, तो जैसे कि भाई को पता है कि बेला भाई की लाइफ पार्टनर जो है जो शताक्षी करके कुछ नेम है भाई, मैं कुछ गलत नाम नहीं लेना चाहता, तो जो भी लाइफ पार्टनर है भाई उनको कह रहे है गर्ल मेरी इतनी प्योर वो पार्वती। भाई डैम डैम भाई, सीधा लेट्स गो। मेरी इतनी प्योर वो पार्वती, तू आंखें मेला लोगों की नजरें उतार देती, पर मेरे सर से भूत तेरा ना उतार सकी। ओके, जो बोले रैप छुट्टी होती एंटरटेन, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि नहीं आए तब मेरे गाने तेरे जख्मों पे एंटीसेप्टिक, तो बिके ये दवाई मैंने नाम रखा 100K। क्या चल रहा है यार, कितनी सही डायरेक्ट कर यार, म्यूजिक वीडियो देख रहे हो, मतलब भाई चलता जा रहा है वो, पता भी नहीं लग रहा चीज, मतलब एक लूप चलता जा रहा है भाई बेसिकली। विक्रम उदावत भाई, क्रेजी डायरेक्टेड बाय, क्रेजी भाई। एंड ट्रैक की बात करें, ट्रैक वॉज सो क्रेजी, टोटली डिफरेंट ट्रैक, ठीक है। यूजली हम बेला भाई के ऐसे गाने नहीं सुनते हैं, और म्यूज़िक वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। ऑडियो की बात करें, वहाँ पे सिर्फ बेला भाई अपनी ही बात कर रहे थे, और उसमें फ्लैक्स था, थोड़ा ईगो देखने को मिला जो बेला भाई ने कमाया, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। पर्सनली आई लव दिस ट्रैक एंड लूप मटेरियल है भाई, जाके सुनना। बाकी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बाकी इस चैनल के भाई शॉर्ट सेक्शन में आके देख सकते हो, मैंने न्यू कंटेंट ट्राई करा है, तो जाके भाई सपोर्ट करना, चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना गाइस, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।